अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आशमास किचन। आज आपके लिए आलू पापड़ की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि आपको तुरंत बनकर तैयार मिलेंगे। आलू चिप्स कहें या आलू पापड़, आपको उनके लिए बहुत घंटों सुखाने की और वेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने दो आलू लिए हुए हैं जिसको हमने पील कर लेना है। आलू के छिलकों को आप पील कर लीजिए। बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में ये जो चिप्स है, आलू के पापड़ है, बिल्कुल पतले पतले एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हमने पील करने के बाद जिस तरीके से हम पील करते हैं ना आलू को, उसी तरीके से पीलर की हेल्प से ऐसे पतले पतले इनके जो है स्लाइसेस इस तरह से पीलर की हेल्प से निकाल लेने हैं और यही स्लाइसेस एकदम बढ़िया पतले क्रिस्पी आलू पापड़ की तरह बनकर तैयार होंगे। और इनको आप पानी में डाल दें जिससे कि ये काले ना पड़े। और ये देखिए पीस, आप देख रहे हैं ना, इतना पतला पीस होकर तैयार होगा कि बाजार के चिप्स और पापड़ भी फेल हो जाएंगे। तो इस तरह से पानी में डालने के बाद इनके पानी को आप निकाल दें, स्ट्रेनर में डाल दें, एक्स्ट्रा पानी इनका निकल जाएगा। दो बार अच्छे से धो लें जिस तरीके से सारा स्टार्च इनका निकल जाए। तो यहाँ पर हम इसको दोबारा से धो रहे हैं और बस इसको फिर से आप स्ट्रेनर में डाल दीजिए। उसके बाद हम इसको एक कपड़े पर फैला देंगे जिससे कि इसका जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी, वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और जब हम इनको फ्राई करें तो पानी जो होता है ना तेल में, अगर आप फ्राई करोगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा चिटकता है। तो उसके लिए आप इसको कपड़े में डालें, साफ़ कपड़े पर बिछा लें और जब ये इस तरह से देखिए ड्राई हो जाएगा, पानी का जो लेयर है वो हट जाएगा, उसके बाद हम इसको बर्तन में निकाल लें और अब ये तैयार हैं फ्राई करने के लिए। इसको हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। ऊपर से आप इसमें नमक मसाले वगैरह डाल सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। देखिए कपड़ा भी गीला हो गया था, अब ऑयल हमने गर्म होने रख दिया था और इनको थोड़ा थोड़ा सा डालें, तेल को ज़्यादा क्वांटिटी में गर्म करें तो ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं। और जब इसको आप डालेंगे तो थोड़े से झाग आएंगे ऊपर की तरफ, तो उसके लिए सावधानी बरतते हुए बस आप डालें। और ये देखिए कुछ ही मिनटों में आपके जो आलू के पापड़ हैं, आलू के पतले पतले क्रिस्पी से चिप्स हैं, वो बनकर तैयार हो जाएंगे। आप इसको बच्चों की डिमांड पर घर पर बनाकर दे सकते हैं। बाज़ार से आलू के चिप्स लेने से अच्छा है कि आप इस तरह की चीज़ें घर पर बना दें जिससे कि बाज़ार का अनहेल्दी जो भी फूड स्टफ है वो बच्चों तक ना पहुँचे। तो ये एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और वो बाज़ार के चिप्स खाना भूल जाएंगे और इनको बार बार आपसे बनवाएंगे। तो घर में बनाने से क्या होता है ना कि घर की चीज़ें जो साफ होती हैं और हाइजीनिकली बनी होती हैं, तो इस तरीके से आप इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं जो कि आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा। तो ये लीजिए क्रिस्पी से हमारे पापड़ बनकर तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसके ऊपर आप थोड़े से मसाले डाल लें, तो आप यहाँ पर थोड़ा नमक स्प्रिंकल कर दें। नमक के साथ आप मिर्ची वगैरह अगर कुछ और स्प्रिंकल करना चाहते हैं तो वो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो सिंपल नमक के साथ भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। ये जो क्रिस्पी से आलू के चिप्स या पापड़ बनकर तैयार हुए हैं, देखिए कितने मज़ेदार, कितने क्रिस्पी, तो ये आपको पसंद आए होंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे ताकि ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।